माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम कर रहा हूँ। साबरमती के किनारे पर कविता की बूंदों में भीगने वाले आप सभी श्रोताओं को प्रणाम है। गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जीतू भाई, नितिन भाई, विजय भाई अभी किसी कार्यवश चले गए हैं। मैं आपके बीच अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। आज तो माताएं बहनें तक कवि सम्मेलन सुनने आई हैं और ताज्जुब की बात यह है कि सभी चुपचाप बैठी हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी देर चुपचाप बैठे ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारत देश में हर पत्नी रोज शाम को नाटक देखती है और नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को प्रणाम करना चाहता हूँ। पर आप सुन बहुत कमाल रहे हैं साहब, बहुत प्यारा आप सुन रहे हैं। और ये जो दो व्यक्ति खड़े हैं यूँ लग रहा है जैसे पर्वत पर जामवंत और उनके साथी खड़े हैं। कैमरा मैन वही बनता है जिसको शुरू से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत है। बहुत करना पड़ेगा करना पड़ेगा क्योंकि कमाल थोड़ी देर बाद में होगा। पर बहुत प्यारा आप लोग सुन रहे हैं। मैं गुजरात में जब जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे अभयारण्य में जा रहा हूँ जहाँ पर कविता का शिकार कोई नहीं कर सकता। कविता की रक्षा करने वाले समाज सभी गुजरात में। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। चार पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ और हमारे ऋत्विज भाई जो यहाँ पर युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं जानता हूँ कि सरहदों पर खड़े होकर सैनिकों ने हिंदुस्तान को बचाया, लेकिन युवा मोर्चा ने यहाँ पर खड़े होकर भटकते हुए नौजवान को बचाया है। मैं ऐसी कार्यशैली को प्रणाम करना चाहता हूँ हमारे दर्शक ठाकर, हमारे प्रिय मित्रों में से। चार पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। एक युवा ये है जो देश की बात करते हैं, एक युवा ये है जिनकी शिराओं में हिंदुस्तान बहता है। मैं अहमदाबाद में खड़े होकर सिर्फ चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर वो चार पंक्तियां पहुंच जाए तो आंखें बंद करके आपके तालियों की अनुगूंज सुनना चाहता हूं, आपकी गड़गड़ाहट सुनना चाहता हूं और अहमदाबाद से तालियों का तूफान उठकर दिल्ली को छुए, क्योंकि मैं बात वहां की करना चाहता हूं। आपको लोकतंत्र में किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हमने इसलिए नहीं बनाया। युवा वो नहीं होते जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, युवा वो होते हैं जो हिंदुस्तान के लिए अपने सर को कलम करवाने और कलम करने की औकात रखते हैं। मैं बात तब निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में। वहां पर खड़ा होकर एक बदतमीज छात्र नेता जब ये बात कहता है, मुझे दर्शक भाई आज दिन में कह रहे थे कि उस मुद्दे पर अशोक भाई जरूर कुछ बोलना, मैं चार पंक्तियां बोलना चाहता हूं। और गुजरात ने अगर आशीर्वाद दिया तो फिर JNU के अंदर खड़े होकर बोलने की औकात भी आपका कभी। कहना यह चाहता हूं कि आपको किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हमने इसलिए भोलेपन में नहीं बनाया कि आप उसकी चार दीवारियों के बीच खड़े होकर अपने चार बदतमीज समर्थकों के साथ ये बात कह दें कि हिंदुस्तान की सरहदों पर जितने सैनिक तैनात हैं वो सबके सब बलात्कारी हैं। तब सैनिकों के बारे में JNU की दीवारों के बीच से ये आवाज आई, आपका कवि खड़ा हुआ और उसने सिर्फ चार पंक्तियां कही। अगर बात पहुंच जाती हो तो आसमान भर तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मुझे आशीष दीजिएगा कि मैं इस जबान को बोल सकूं, पढ़ सकूं, औकात रखूं। मैं डरू नहीं किसी से, चार पंक्तियां दे रहा हूं। जब सैनिकों को बलात्कारी बोला गया तब आपके कवि ने क्या कहा कि धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। तो हार को हराने हेतु हाजिर है हर दम, जीत के गले को जीतने का हार देते हैं, जीत के गले को जीतने का हार देते हैं। तो बलिदानों का भी गुल बजता सीमाओं पर, अपना लहू जवान बार बार देते हैं, अपना लहू जवान बार बार देते हैं। उनको बलात्कारी कैसे कह डाला तूने, देश के लिए जो निज प्राण वार देते हैं, देश के लिए जन आभार। मैं अहमदाबाद को प्रणाम करना चाहता हूं, पर तालियां थोड़ी बढ़ाएंगे आप, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, क्या बात है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे उस कोर्ट के फैसले पर आज दिन तक आपत्ति है। यहाँ पर सेना पर पत्थर उछाले गए कश्मीर में, पहला फैसला न्यायालय यह देता है कि इन पर पैलेट गन चलाइए, दूसरा फैसला देता है कि इन पर गंदा पानी उछालिए,
मुझे आपके तालियां जवाब दें कि गंदा पानी जिन लोगों की रगों में बह रहा है, क्या गंदा पानी उछालने से उनका इलाज किया जा सकता है? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि नहीं किया जा सकता। एक भाषा बोली केवल आपके कवि ने, भाषा अगर ठीक लग जाए तो मैं राष्ट्रवादियों की तालियां देखना चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं, चार पंक्तियां एक फैसला पढ़ना चाहता हूं आज अहमदाबाद में, शायद सुबह तक दिल्ली पहुंच जाए। मैं जानता हूं गुजरात की ताकत को, चार पंक्तियां दे रहा हूं, सुनिएगा कि एक कंकर भी यदि उछाला जाए तो फिर ये बोला जाना चाहिए क्या देश में? आज अहमदाबाद के लोग तय करें कि जंग नहीं लग जाए वीरता के खंग पर, सीमाओं की जंग को नया जुनून दीजिए। क्या बात है, वाह कि जंग नहीं लग जाए वीरता के खंग पर, सीमाओं की जंग को नया जुनून दीजिए। तो सीमाओं पे जवानी के उर में भवानी बैठी, मात कालिका के खपर को खून दीजिए, मात कालिका के खपर को खून दीजिए। तो कश्मीर भारत माता का है अभिन्न अंग, उसकी फिजाओं को नया कानून दीजिए, उसकी फिजाओं को नया कानून दीजिए। और पत्थरों कि बरसात जो भी सेना पर करे, इस बार उन्हें गोलियों से भून दीजिए, इस बार उन्हें। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर देर तक तालियों के गड़गड़ाहट अहमदाबाद की हो, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। क्या बात है, वाह वाह। और एक इशारा कर रहा हूं यहां पर खड़े होकर, दो बार भूल की हिमांशु कह रहा था कि दो बार गलती कर दी दिल्ली वालों ने, लेकिन एक इशारा यहां पर खड़े होकर अगर कर दिया हो तो फिर अब मैं जानता हूं कि क्या होना है अहमदाबाद में। चार पंक्तियां और सौंपता हूं, सुनिएगा कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन, उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। क्या बात है, जनता के अरमानों की जो रखवाली करे चैन, उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभ और स्वार्थ की आग में, जनता के भाव घर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे, ऐसे नेता कुर्सियों से। आभार, प्रणाम, बहुत ऊर्जा के साथ सुन रहे हैं। आजादी के इतने बसंत देखने के बाद में भी इस देश में यह कहा जाता है कि देश को आजादी नहीं मिली। मैं शुद्ध कविता की चार पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। क्या बात है, चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। सच्चे मायने में अगर आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए, अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए। बहुत अच्छा अशोक भाई, क्या बात। बोल कर जब कोई बोर करने लगे तो चुप होके उसको ही बोर कर दीजिए। बोल कर जब कोई बोर करने लगे तो चुप होके उसको ही बोर कर दीजिए। मंच हो प्रबुद्ध बात हो विरुद्ध आपके तो ऐसी हर बात इग्नोर कर दीजिए। पर कभी जब गाने बतलाने व रिझाने लगे ऐसे कवि को तो वंश मोर कर दीजिए। और छंदिए पसंद आया हो तो मंद मंद नहीं जोरदार तालियों का शोर कर दीजिए, जोरदार तालियों का शोर कर दीजिए। बहुत कमाल, आप सुन रहे हैं। कवि सम्मेलन के बाद अपने घर पे जाइएगा, एक कविता विशेष यहाँ पर अगर खड़ी नहीं करूंगा तो फिर कौन सी जगह बसती है जहां पर ये कविता सुनाऊंगा। कविता खड़ी करना चाहता हूं आपके बीच में आदरणीय इस मंच पर, हमारे आदरणीय जगदीश सोलंकी जी की उपस्थिति है, गजेन भैया की उपस्थिति है, तमाम यहाँ पर हमारे गफ्फार साहब बैठे हैं, गंगा जमुनी तहजीब लेकर जानी भाई हैं। कविता आप लोगों के बीच में मैं खड़ी कर रहा हूं, मित्रों सुनिएगा। कवि सम्मेलन के बाद अपने घरों पर जाइएगा, मेरी एक टिप्पणी में आप तय करना कि अशोक चारणी की कविता तुम्हें यहाँ पर पढ़नी है या फिर कोई और कविता पढ़नी है। मैं आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं, कवि सम्मेलन के बाद अपने घर पर जाइएगा और मेड इन चाइना लिखी हुई कोई भी चीज पढ़िए तो उसे उठाकर देखिएगा, इन आंखों से नहीं अपने दिल की आंखों से, शायद आपको उन चीजों पर हमारे सैनिकों के खून के धब्बे नजर आए। थोड़ा चिंतित मैं हूँ, थोड़ा चिंतित आपको करना चाहता हूँ गजेन भाई। सोशल मीडिया पर और दीपावली के मौके पर मैं जहां जहां देश भर में कवि सम्मेलनों में था, एक चित्र मैंने भी देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सैनिक खड़ा है, उसकी बगल में केवल एक वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य को पढ़ने के बाद में मेरा मन हुआ कि एक कविता मुझे भी लिखने चाहिए। उसका वाक्य था, वो वाक्य नहीं उसकी प्रतिबद्धता थी, उसका संकल्प था, उसका कमिटमेंट था। उसने लिख रखा था सैनिक के पास में एक वाक्य लिखा हुआ था,
कि दीपावली तक पर तुम चीन के सामान को अपने घरों में मत प्रवेश करने देना। मैं आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के दुश्मनों को सरहदों में प्रवेश नहीं करूंगा। एक कविता आप लोगों के बीच खड़ी कर रहा हूं और गुजरात के प्यारे श्रोताओं, अहमदाबाद के आत्मीय श्रोताओं, पहले बंद को अगर आपने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संभाल लिया, पूरी कविता आपको संभालने की ये दावा और वादा आपका कवि करना चाहता है। पहला बंद दे रहा हूं, सुनिएगा। कि अमर तिरंगे की बस्ती में लाल बवंडर आया है। क्या बात अमर है? तिरंगे की बस्ती में लाल बवंडर आया है, काल दूत के बाल सरीखा जिसका काला साया है। पर दिनकर की वंश प्रथा को कोई नहीं डरा सकता, मेधा से लेकर मैदानों तक ना कोई हरा सकता, मेधा से लेकर मैदानों तक ना कोई हरा सकता। चाहे चीन गले को फाड़े अपने घर के मंचों से, चाहे चीन गले को फाड़े अपने घर के मंचों से, पर भारत के वीर सपूतों कह दो इन सरपंचों से, देवदार की थाती कम ना होती लघु करंचों से, देवदार की थाती कम ना होती लघु करंचों से। और अग्नि पांच वाले ना डरते चीनी तप तमंचों से, अग्नि पांच वाले ना डरते। आभार आपने कविता को प्रारंभ किया कि अग्नि पांच वाले ना डरते चीनी तप तमंचों से। एक दोगला व्यापारी जो नकली कारोबारों का, क्या बात, 5.2 जहां की नेशनल हाइट है, 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का आदमी जिस देश में पैदा नहीं होता हो, पूरे चीन में नजर दौड़ा कर देख लीजिए, एक आदमी 5.2 से ऊपर नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो फिर समझिएगा कि हमारे बुजुर्गों का आना जाना रहा। तालियां कम है, 5.2 नेशनल हाइट, इतनी छोटी छोटी आंखें। मैं सच बता रहा हूं आदरणीय महोदय, चीनियों की जितनी आंखें टोटली जितनी बड़ी होती उतनी तो बच्चे अपने आप प्रार्थना में खुली रख लेते हैं, इतनी छोटी आंखें चाइना वालों की। मैं दावा करता हूं कि साबरमती के इस किनारे से तालियों की आंधी नहीं, तालियों का बवंडर नहीं, तालियों का चक्रवात नहीं, तालियों का एक तूफान उठकर चीन की सीमाओं का हिला देगा। मैं दावा करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। कि एक दोगला व्यापारी जो नकली कारोबारों का, एक दोगला व्यापारी जो नकली कारोबारों का, हमको बस चीनियों की आंखें ध्यान में रखिए और मेरी बात सुन लीजिए। तालियां रोक नहीं पाएंगे, आसमान भर तालियों की गड़गड़ाहट आगे से लेके पीछे तक हो जाएगी, मैं जानता हूं। कि एक दोगला व्यापारी जो नकली कारोबारों का, हमको रोब दिखाता है वो अपने चंद सियारों का, चंद सियारों का दल ही शेरों पर बढ़ने लगता है, चंद सियारों का दल ही शेरों पर बढ़ने लगता है, अपने दुर्बल पैरों से पर्वत पर चढ़ने लगता है। लेकिन वो ये भूल गया कि ठंडा रक्त नहीं है अब, लेकिन वो ये भूल गया कि ठंडा रक्त नहीं है अब, बिना रक्त की बूंद गिरे योद्धाओं का वक्त नहीं है अब। तो सीमा पार खड़ा एक भावना हमको निधमकाता है, सीमा पार खड़ा एक भावना हमको निधमकाता है, चिड़िया जैसी आंख नहीं और हमको आंख दिखाता है, चिड़िया। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। चिड़िया जैसी आंख नहीं और हमको आंख दिखाता है, तो हिंदी क्यों पढ़ रहा हूं आपके बीच कविता, क्या आपकी तालियां लूटने के लिए? माफ कीजिएगा, कविता का उद्देश्य आपकी तालियां लेना नहीं है। मैं इतनी बड़ी भीड़ में जो आंदोलन खड़ा करने आया हूं, अगर इस भीड़ में कुछ लोगों में भी पैदा करके चला गया तो फिर मेरा युवा मोर्चा के कवि सम्मेलन में आना सार्थक होगा, क्योंकि मैं भी कॉलेज टाइम में एबीवीपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं, तब बात करना चाहता हूं आपके बीच में, निवेदित तब करना चाहता हूं, आंदोलन एक खड़ा करना चाहता हूं। बस कितने लोग साथ देना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है, अगर सब लोग साथ देना चाहें तो मुझे देश के लिए अच्छा लगेगा, कविता के लिए नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा कहाँ गया, कि हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा कहाँ गया, एनसांग के ज्ञान दीप का वो उजियारा कहाँ गया, एनसांग के ज्ञान दीप का वो उजियारा कहाँ गया। ये ड्रैगन जो नष्ट कर रहा मणियों के उजियाले को, ड्रैगन कहा जाता चाइना को, तब बात करना चाहता हूं आपकी उपस्थिति में। कि ये ड्रैगन जो नष्ट कर रहा मणियों के उजियाले को, ये बुनता है जाल इस तरह जैसे मकड़ी जाले को, ये अक्सा ही चिन्ह पर भी अपना अधिकार समझता है, ये अक्सा ही चिन्ह पर भी अपना अधिकार समझता है।
मुझे चेतना चाहिए आपकी कि ये अक्साही चिन्ह पर भी अपना अधिकार समझता है, ये भारत को केवल धंधे का बाजार समझता है, ये भारत को केवल धंधे का बाजार समझता है। और चार पंक्तियों का एक आंदोलन खड़ा कर रहा हूं, फैसला आपका, आपकी तालियों के दम पर छोड़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं एक आंदोलन कि ये भारत को केवल धंधे का बाजार समझता है। तो इस दीमक जैसे दुश्मन से खत्म सभी संबंध करो, इस दीमक जैसे दुश्मन से खत्म सभी संबंध करो, बाजारों से चीनी चीजें लेना देना बंद करो। तो जिस दिन इन व्यापारिक राहों पर पहिया रुक जाएगा, जिस दिन इन व्यापारिक राहों पर पहिया रुक जाएगा, तब ड्रैगन का सर भारत के चरणों में झुक जाएगा। तब तालियां आपकी आसमान भर चाहिए मुझे अहमदाबाद की। तब ड्रैगन का सर भारत के चरणों में झुक जाएगा। हमसे तुमने शंकर का कैलाश लिया ये सहन किया, आज भी भोलेनाथ का समाधि स्थल चाइना के पास, और दर्शन करने हो तो चीन की इजाजत लेनी पड़ती है। ये तो वही वाली बात हुई कि मकान हमारा है और हम किराएदार से पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप कहो तो अंदर चले जाए। बहुत अच्छी बात। 125 करोड़, ये भाषा तो नहीं बोल सकते साहब। वो भोलेनाथ जिसकी आराधना में, जिसकी अभ्यर्थना में, जिसकी स्तुति में, जिसके स्तवन में आपके कवि ने यह भी लिखा, मैं सोमनाथ के बहुत नजदीक खड़ा होकर मैं उस शिव शंकर की आराधना कर रहा हूं जिसके लिए आपके कवि ने लिखा कि सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास, सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है, है अस्त्र तू है, शस्त्र तू, तू ही तो चंद्रहास है, गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पड़े गले भुजंग योज बज रहे मृदंग है, आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के ले ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे, रे टनन टनन सी घंटियां घनन घनन मृदंग है, विकराल काल छाल पे ये चक्षुलाल रंग है, क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है, पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है, चमक चमक है चंद्रमा प्रभो तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभो हमारे शीश पर, तुम्हारी ही चमक धरी प्रभो। बहुत अच्छा अशोक भाई, बहुत अच्छा। कविता का अंतिम पद आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, अंतिम बंद कविता का सौंप रहा हूं। एक अभिलाषा है, उस अभिलाषा में पूरा देश मेरे साथ खड़ा है ऐसा मेरा विश्वास बोलता है। आखिरी बंद आपको कविता का सौंपता हूं और एक अभिलाषा पढ़ना चाहता हूं। आपकी भी यदि अभिलाषा हो तो फिर मुझे बताइएगा कि अशोक चारणी ये सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी अभिलाषा है। मैं कविता का आखिरी बंद सौंप रहा हूं, सुनिएगा। कि हमसे तुमने शंकर का कैलाश लिया ये सहन किया, तिब्बत के मुद्दे पर, तिब्बत के मुद्दे पर हमको दगा दिया ये सहन किया, माना कि उस वक्त यहाँ असलों से लेस नहीं थे हम, परमाणु हथियारों के बलशाली देश नहीं थे हम, लेकिन तू ये भूला पहले जैसी बात नहीं है अब, भारत का दिन करोगे आया दिन है रात नहीं है अब, तुमने घर खिलवाड़ कर लिया इस भारत की माटी से, सारे हाथ आसमान में एक अभिलाषा पढ़ रहा हूं कि तुमने घर खिलवाड़ कर लिया इस भारत की माटी से, तुमने घर खिलवाड़ कर लिया इस भारत की माटी से, तो अग्नि परीक्षण तुम पर कर देंगे शंकर की घाटी से, अग्नि परीक्षण तुम पर। बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत बहुत नमन आपको, बहुत बहुत प्रणाम आपको। कविता पूरी हुई। मैं बहुत लोकतांत्रिक कवि हूँ, मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों को पूछ करके किया है, बिना पूछे मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मैं अहमदाबाद के प्यारे श्रोताओं को भी पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने का नाटक करूँ या एक कविता और सुना दूँ। तो बताइए जरा, जो सुनना चाहते हैं एक बार उन लोगों के तालियों की अनंत गड़गड़ाहट हो जाए। बहुत अच्छे, आइए मैं सुना देता हूँ बैठने की नौ